हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप अपने स्नैपचैट एक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं या डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, स्नैपचैट के काफ़ी अपडेट आते रहते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, स्नैपचैट का अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन काफ़ी चेंज होता रहता है। और आपने स्नैपचैट को अकाउंट को अगर डिलीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख कर आज अपने स्नैपचैट अकाउंट को डिलीट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो वीडियो में आपको पूरा बने रहना है। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए गाइस, यहां पर आपको सबसे पहले अपना स्नैपचैट अकाउंट अपडेट रखना है अगर आप डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है स्नैपचैट पर। जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं फिर आपको यहां पर सेटिंग का एक बटन दिखता है, इस पर आपको टैप करना है। जैसे टैप करते हैं आपको कुछ इस तरह से आपका यहां पर सेटिंग का ऑप्शन ओपन हो जाता है। आपको क्या करना है, नीचे तरफ स्क्रॉल करना है और आपको यहां पर ढूंढना है सपोर्ट का। सपोर्ट का ऑप्शन में देखेंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखता है आई नीड हेल्प का, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। आई नीड हेल्प पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा इस तरह से इमोजी का, मैनेजिंग माई अकाउंट का। और ये ऑप्शन हो सकता है अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं थ्री लाइन्स बने हुए, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मैनेजिंग योर अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, स्नैपचैट का ये अपडेट काफ़ी होता चेंज होता रहता है अपडेट की वजह से, जिससे ये ऑप्शन कभी हट जाता है कभी ये ऑप्शन हट जाता है। तो आपको इन दोनों ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको जरूर मिल जाएगा। तो इनमें से क्या करना है, अगर आप इस पर क्लिक करना चाहते हैं इस पर क्लिक कर दिए, नहीं तो थ्री लाइन्स पर आप क्लिक करके यहाँ पर मैनेजिंग माई अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं फिर देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है डिलीट योर और यहाँ पर रीएक्टिवेट माई अकाउंट का ऑप्शन। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ डिलीट और रीएक्टिवेट माई अकाउंट का ऑप्शन देखने मिलता है, इस पर आपको चूज करना है इसको। जैसे आप चूज करते हैं तो यहाँ पर देखिए फिर दो ऑप्शन आपको देखने मिल जाएंगे, हाउ टू डीएक्टिवेट और डिलीट स्नैपचैट अकाउंट और हाउ डू आई रीएक्टिवेट माई स्नैपचैट अकाउंट। तो यहाँ पर क्या करना है, मुझे डिलीट करना है या डीएक्टिवेट करना है, तो कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर दो अलग अलग ऑप्शन देखने मिला है, जिसके अंदर यहाँ पर एंड्रॉयड यूजर के लिए अलग और खासकर iOS यूजर के लिए अलग, क्योंकि एंड्रॉयड यूजर ज़्यादा होते हैं तो इनके लिए मैं आज इस पर बता देता हूँ। और अगर iOS पे यूजर के लिए भी डिलीट करने का ऑप्शन चाहिए तो वो दूसरी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कैसे आप iOS यूजर वाले भी इसको डिलीट कर सकते हैं अपने अकाउंट को। तो अभी के लिए एंड्रॉयड के लिए तो यहाँ पर एंड्रॉयड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऊपर एक लिंक दिया रहता है स्नैपचैट अकाउंट पोर्टल्स का, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा आपको वेट करना है, और जैसे वेट करते हैं फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम यहाँ पर मांगता है। तो मैं अपना यूजर नेम यहाँ पर डाल देता हूँ जो कि मुझे डिलीट करना है। मुझे अपना यूजर नेम पता है, अगर आपको यूजर नेम नहीं पता है तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर भी डाल के आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये रिडायरेक्ट करेगा हमें पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड आपको पता होगा तो आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना है। अगर आपको पासवर्ड अपना नहीं पता है तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करके भी आप अपने पासवर्ड को तुरंत जान सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पर क्या करेगा, एक OTP आएगा हमारे मोबाइल नंबर पर और वहाँ पर एक ऑप्शन फिर अपडेट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं ओपन इन स्नैपचैट अकाउंट, और इसके बाद अब यहाँ पर आपको चूज ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये देखिए माय डेटा माय स्नैपचैट, मतलब पूरा सब कुछ दे रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर डिलीट माय अकाउंट का ऑप्शन पर चूज करना है। अगर आप अपने डेटा को यहाँ पर सेव रखना चाहते हैं सेव कर सकते हैं, खासकर केवल आपको यहाँ पर पासवर्ड इनपुट करना है केवल। और जैसे ही आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे अपने अकाउंट का, तुरंत ही आपका अकाउंट यहाँ पर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। बस आपको केवल वेट करना है 30 डेज़ का। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पर 30 डेज़ तक वेट करते हैं, अगर आप अपने अकाउंट को दोबारा से लॉगिन नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा स्नैपचैट प्लेटफॉर्म से। तो आपको क्या करना है, 30 दिन तक आपको अकाउंट को दोबारा से लॉगिन नहीं करना है अगर आप चाहते हैं परमानेंटली डिलीट करना। अगर आप इसको दोबारा से लॉगिन कर देंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह से अपने स्नैपचैट अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। वीडियो में तक फ्रेंड्स, वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।